हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव विद्या और मैं सिंपली सोनिका। देखिए, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो मुझे लगा क्यों ना आपके लिए इंडिपेंडेंस डे पे मैं एक अपने भारतीय झंडे से रिलेटेड वॉकएप्स की एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा भारतीय झंडा और इस झंडे को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग। और ये जो हैं इसकी तीन पट्टियाँ, इन्हें हम बोलते हैं बैंड्स। ये सबसे ऊपर की जो पट्टी है इसे टॉप बैंड, ये मिडिल बैंड और ये है बॉटम बैंड। अब ये जो कलर है ये ऑरेंज कलर सब बोलते हैं, आपको अपने बच्चों को भी बताना चाहिए ये ऑरेंज कलर नहीं है यानी संतरी कलर नहीं है, ये केसरिया कलर है यानी सैफ्रॉन कलर है। ये क्या कौन सा कलर है? सैफ्रॉन कलर है यानी केसर का कलर है, तो आप अपने बच्चों को भी बताइएगा। फिर ये वाइट कलर है और ये है ग्रीन कलर। अब देखिए, इसके ऊपर ये व्हील बना हुआ है अशोक चक्र, जिसे हम अशोक व्हील कहते हैं। इसका जो कलर है वो नेवी ब्लू है। बहुत से लोग इसे ब्लू बोलते हैं लेकिन ये नेवी ब्लू है, और छोटे बच्चे बहुत बार इसे ब्लैक कर देते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी बताइए ये ब्लैक नहीं, ये नेवी ब्लू कलर है। और इसकी जो तिल्लियाँ हैं, तिल्लियों को इंग्लिश में स्पॉक्स बोलते हैं, स्पॉक्स, ये 24 हैं और इसे हम टाइम ऑफ व्हील भी बोलते हैं। ये जो चक्र है इसे हम टाइम ऑफ व्हील भी बोलते हैं, क्योंकि ये 24 तिल्लियों की वजह से 24 घंटों को, जो दिन के 24 घंटे होते हैं उन्हें इंडिकेट कराता है। अब हम आ जाते हैं कि झंडे को फहराना क्या होता है, झंडे को फहराने की इंग्लिश क्या होती है? तो हॉइस्ट होता है यानी हॉइस्ट द फ्लैग या फिर फ्लैग हॉइस्टिंग, जो आपको ठीक लगे वो आप बताइएगा। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा और ज़रूर लिखिएगा, वंदे मातरम जरूर लिखिएगा, भारत माता की जय जरूर लिखिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मेरा बच्चा जो है, मेरा जो बेटा है, वो भी भारत माता की जय बोल रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भारत माता की जय जरूर बोलिएगा। ओके, थैंक यू।